स्वागत है आपका बुंदेलखंड न्यूज़ में। इस समय हम लोग मारकुंडी और टिकरिया के बीच में एक ऐसे बीहड़ जंगल में हैं, जहां हमें जानकारी हुई थी कि पुरापाषाण काल के शैलचित्र काफ़ी संख्या में हैं। पुरापाषाण काल यानी कि 30 से 40,000 साल के पहले का समय, जब हमारे पूर्वज यहां पे रहते थे शैलाश्रयों में। ये एक बड़ा शैलाश्रय है, जहां पे आप देख पा रहे हैं ये चित्र यहां पे हैं। यहां पे कई बाघ के चित्र हैं और कुछ लड़ाई का दृश्य यहाँ पे है। हमारे जो महापूर्वज थे वो यहाँ पे अपने चित्रांकन के माध्यम से समझाने का प्रयास करते थे कि किस तरीके से यहाँ पे उनका जो मानव जीवन था किस प्रकार से यहाँ पे चालू हुआ था। इस तरीके के तमाम चित्र यहाँ पे हैं और ये चित्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मानव सभ्यता का विकास यहाँ पे हुआ था। तो ये तमाम इस शैलाश्रय में चित्र हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में हैं। ये चित्र भीमबेटका जो रायसेन जिले में है उसके समकक्ष बताए जाते हैं। और जैसे हमने पिछली रिपोर्ट में आपको दिखाया था, सरहट के पास करपटिया में और बासा चूही खंबा, इस तरीके के तमाम जगहों पर शैलचित्र हैं। और ये एक नया स्थान यहाँ पे प्रकाश में आया है काफ़ी जद्दोजहद के बाद। अभी जंगल से होते हुए हम लोग 3-4 किलोमीटर के बाद यहाँ पे पहुँचे हैं और काफ़ी दुर्गम क्षेत्र है, यहाँ पे कोई नहीं आता है। और यहाँ पे ये शैलाश्रय बड़े पैमाने पे है। मैं सचिन जी से कहूँगा कि सचिन जी पूरा शैलाश्रय दिखा दें। ये शैलाश्रय काफ़ी बड़ी पैमाने पे और काफ़ी ऊंचाई पे है। नीचे यहाँ पे पानी के भी स्रोत हैं, पानी यहाँ पे काफ़ी संख्या में यहाँ पे मतलब पानी बहता है। और इतिहासकार द्वारा बताया जाता है कि जब सभ्यता का विकास या सभ्यता पनपती है तो पानी पास में होता है, तो इस तरीके से यहाँ पे पूर्वज रहते थे। और ये चित्र भी यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये देखिए यहाँ पे एक बाघ का चित्र है, ये यहाँ पे दौड़ता हुआ बाघ है। और ये चित्र धीरे धीरे ख़त्म भी हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे शैलाश्रयों को और ऐसे शैलचित्रों को सहेजने का काम सरकार द्वारा नहीं हो रहा है, पुरातत्व द्वारा नहीं हो रहा है। ये केवल यहाँ की जनता है, यहाँ की आम जनता है, उसके पहुँच तक ये स्थान है। यहाँ पे आप जाकर देखते रहते हैं क्योंकि तमाम चीज़ें हैं। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, हम आपको और एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाएंगे इन शैलचित्रों की।